फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की परिवहन सेवाओं का बुरा हाल। रोडवेज बसों के इंतजार में ठिठुरती ठंड में खुले आसमान के नीचे घंटों इंतजार में बैठी सवारियां, बच्चों, महिलाओं को भी होना पड़ता है परेशान। मक्खनपुर बाईपास होकर निकल जाती है रोडवेज बसें, शहर में सवारियां करती रहती है इंतजार। प्राइवेट बस चालक काट रहे मौज, 50 सवारियों के परमिट पर 80 से अधिक सवारियां लेकर दौड़ रही हाईवे पर प्राइवेट बसें जिम्मेदार बैठे आंखमूंद। शहर के सुभाष तिराहे पर रात 2 बजे तक अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए यात्रियों को करना पड़ता है इंतजार। इटावा, भिंड और अया मैनपुरी की ओर से आने वाली ये प्राइवेट बस जयपुर और दिल्ली तक की सवारियां लेकर दौड़ती है। आखिरी कब तक होती है दिक्के मार प्राइवेट बसों पर कार्रवाई? फिरोजाबाद से देखिए हमारे संवाददाता राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। राजवीर सिंह, अभी आप कहाँ पर खड़े हो? वहाँ पे ये जैन मंदिर पे। कहाँ जाना? जयपुर। वो हो गया करीब 1-1.5 घंटा। नहीं, रोडवेज से नहीं, स्लीपर से जाऊंगा। रोडवेज तो या रोडवेज काफी आई, काफी चली गई। तो आप फिरोजाबाद जैन मंदिर 1 घंटा दिल्ली। हाँ, सरकारी गाड़ी आई कोई? सरकारी गाड़ी अभी नहीं आई। अब देख रहे हैं क्या व्यवस्था मिलती है, पैदल चल देंगे हम तो। हाँ, प्राइवेट जा रही है। कितनी सवारी होगी गाड़ी के अंदर? हाउस फुल, कोई जगह नहीं है। जगह ना है फिर आप कैसे जाएंगे यार? देख रहे हैं क्या व्यवस्था होती है। किस देख रहे क्या व्यवस्था होती है उस हिसाब से जाएंगे। सरकार की परिवहन सेवाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या कहेंगे, सरकारी अभी तक निकली गाड़ी कोई? सरकारी 1-2 निकली है अभी, और नहीं। गाड़ी जगह थी खाली थी।